गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपना फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक ये भी बैठक चलेगा हिंदी ग्रामर में राम जी, तो उसके बारे में बताएंगे। और बच्चों कैसे हो तुम? गर्मी बहुत खतरनाक पड़ रही है, इसलिए अपना ख्याल रखना और महामारी का भी इसका बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैं भी मेरा तरफ खुद ध्यान रखती हूँ, मास्क लगा के स्कूल आती हूँ और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती हूँ। आप भी बच्चों अपना अच्छी तरह से ध्यान रखना, बाहर लगते समय मास्क लगाना और साफ सफाई से लेना, भी मम्मी को साफ सफाई से ले सारे की महामारी बहुत खतरनाक है। इसी के साथ साथ में गर्मी का भी ध्यान रखे, अपना भी ध्यान रखे, साथ साथ में अपने स्कूल में कोर्स डाल चुका है और अपनी दोस्त लीजिए बराबर करते रहे। इसीलिए ऑनलाइन क्लास वीडियो बुक्स के जरिए, ये बुक्स है हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण की बुक है, इसके जरिए आप है ना पढ़ते रहेंगे। आप यहाँ से रह जाएंगे ना, सब भी आपको याद रहेंगे। तो आपने करते हैं हिंदी व्याकरण में विराम जी का मतलब रुकना और जी का मतलब निशान। आप देखो पहला वर्ड है विराम जी, जब हमारी बात पूरी हो जाए अर्थात हमारा वाक्य पूर्ण हो जाए, जैसे कि काव्या, इसने काव्या तुम मेरे घर आई थी, तो वाक्य पूरा और इस माफी का पूरा पूर्ण रूप लगाते सब। जब हमारी बात पूरी हो जाए अर्थात हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है, तब हमने वाक्य की समाप्ति का पूर्ण विराम लगाते, मतलब वाक्य समाप्त हो जाता है, इसके बाद भी पूर्ण विराम लगाते। लेकिन मैंने यहाँ बताया आपको ध्यान रखना कि कहाँ लगाना होता है, वाक्य पूरा होने के बाद भी जैसे इसकी थोड़ी सी बात साथ में दिए मैंने काव्या तुम मेरे घर आई थी, पूरा वाक्य हो गया जिसमें कोई निशान नहीं लगा है, बात करें तो बाद में होने के साथ याद रखना है, जहाँ पूर्ण राम की अपेक्षा कुछ कम देर तक घूमना पड़ता, मतलब जैसे राम लक्ष्मण एक साथ वाक्य पढ़ रहे लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना पड़ता है, वहां अर्थ विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूरज निकल, ये वाक्य एक बार एक साथ सूरज निकल पक्षी तय क्या हो, अगर दूसरे का देखो कहां से निकाल रहे सूरज निकल या अर्थ विराम का प्रयोग है, धूप की उठी या ये लगे पक्षी तय क्या हो, जैसे राम लक्ष्मण अभियान होते हैं, राम संबोधन
फूड आदि किया जाता है तो इस चीज का उपयोग किया जाता है। आपने किया इतना सारा मौसम आ करते हैं, बारिश होती है, ठंडी होती है, हवा चलती है, धूप निकलती है, तो क्या करो आप पूरा अच्छा मौसम है, अच्छा मौसम है यहाँ दे भगवान बच्चो आज इसने क्या बोलते हैं साथ में, और ये याद करना है, नोटबुक को उतारना है, और चलो तो आप ओके इस वीडियो को देखना, लाइक भी करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ठीक है ओके बाय फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग, वेलकम आंसर ऑनलाइन क्लासेस, सब्जेक्ट इज ईवीएस एंड लेसन नंबर 1 वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 1 each question answer because our lesson is complete. The lesson name is how my body works. हमारे जो शरीर के जो अंग है वो किस तरह से काम करते हैं आपको पढ़ाया है लेसन में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर ए है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है क्वेश्चन हमारा, विद पर्पस आर एंड बैग है, ये बहुत बड़े तरह है जो हमारे
भोजन को स्टोर करता है हमारे शरीर के अंदर, तो वो करता है शरीर को सांस लेने में हमारी बहुत मदद करता है हमारे बॉडी के अंदर। अब एक क्वेश्चन की तो चार ऑप्शन हमें दिए हैं, पहला है हार्ट, फिर है लंग्स, थर्ड है हमारा ऑप्शन लिवर एंड फोर ऑप्शन इज ब्रेन। इसमें सही क्वेश्चन हमारा है वो हेल्प इन ब्रेथिंग, ब्रेथिंग में हमें कौन मदद करता है हमारे शरीर का, कौन सा अंग जो है वो हमारे सांस लेने में मदद करता है वो लंग्स। तो ये हमारे तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एट ऑप्शन के, ठीक है। उसके बाद में है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आती हूँ। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी हेल्प टू ब्रेथ, यानी कि कौन सा जो अंग है जो हमारे सांस लेने में मदद करता है। क्वेश्चन आपको बुक में मिलेगा, तो मैं आपको यहाँ एग्जांपल दिखा रही हूँ। तो हमारी सांस लेने में मदद कौन करता है, लंग्स। तो आपको यहाँ देखो बच्चों क्वेश्चन है, यहाँ आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना, उसके नीचे आप आंसर में लंग्स लिख लेना। फिर सेकेंड है क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी कंट्रोल द थॉट एंड फीलिंग, हमारी सोच को और हमारे में कौन किस चीज से महसूस होता है, कोई भी चीज जो है वो हमारी ब्रेन जो है दिमाग जो है वो हमारी हेल्प करता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी डज फूड टू गो वेन वी ईट, जब हम जो खाना खाते हैं वो कौन से अंग में जाता है, तो वो आ गया हमारा स्टमक। तो आप यहाँ स्टमक लिखोगे थर्ड क्वेश्चन के। फिर है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी थ्रो द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी, जो है शरीर को काम नहीं आती है चीजें वो कौन थ्रो करता है, किडनी। तो हम यहाँ फोर्थ में लिखेंगे किडनी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, हमारी लीवर। ये पांच क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ऑप्शन वाले भी हो गए हैं और क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। ये आप कब कर पाओगे बच्चों, जब आपके पास कोर्स होगा, तो प्लीज आप कोर्स ले लें अगर स्कूल में से और अपने आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, प्लस याद कर लेना और प्लीज आप ले लो कोर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम आम्स ऑनलाइन क्लासेस सब्जेक्टिव डिग्री टॉपिक रिवीजन एंड पेज नंबर 5, मैंने आपको पेज नंबर 4 आपको करवाया था, आज ये अपना पेज नंबर 5 है। तो इसमें क्या है बच्चों, मैच करना है आपको एप्पल से, तो एप्पल को मैच करना है। देखो इसके अंदर आप देखेंगे एप्पल लिखा हुआ है, तो आप एप्पल से इसे मैच करेंगे इस तरह से लाइन खींचकर, यहाँ ये देखो एप्पल लिखा हुआ है, आप एप्पल पर किस लाइन को स्ट्रेट लेके जाएंगे तो आप मैच करेंगे, ठीक है। वैसे ही डस्टबिन को डस्टबिन से मैच करना है, और लायन आपको लायन की तस्वीर कहाँ दिखाई दे रही है एकदम लास्ट में, तो आपको यहाँ उसे मैच करना है। फिर उसके बाद में है हमारा घर, ये रहा घर, तो हम घर कहाँ देख रहे हैं, ये देखो इस तरह से ये लड़की हमें दिखाई दे रही है, तो हमें गर्ल से इसको मैच करेंगे, तो आप ये कर लेना बच्चों प्लीज।
फिर उसके बाद में देखो मैं आपको ये बोर्ड पे समझाऊंगी। ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, कैपिटल लेटर को हम स्मॉल लेटर से रेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो हमारा स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर मैच विद स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर और स्मॉल ए को हम इस तरह से मैच करेंगे। कैपिटल सी को स्मॉल सी से और कैपिटल एम को स्मॉल एम से हम मैच करेंगे। पेज नंबर 6 दिखाई दे रहा है, ये देखो पेज नंबर 6 है और ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें है नंबर इन वर्ड, नंबर इन वर्ड में है क्वेश्चन नंबर 17 में है वर्ड कम्स जस्ट आफ्टर, यानी कि एकदम से जो हमें दिया हुआ है, ये देखो वन और एनी वन तुरंत बाद कौन सा आएगा जो जगह छुपी हुई है। हम बनने वाले हम क्या करने वाले टी डब्ल्यू ओ भरेंगे, तो टी आप भी भर देना। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर, और देखो ये स्पेस दिया हुआ है, तो फोर के पास जस्ट बाद में क्या आएगा बच्चों, फाइव। तो इस तरह से हम भरना है नंबर, और ये सिक्स है, सिक्स के जस्ट बाद में आएगा सेवन, और फिर नाइन के जस्ट बाद में बच्चों क्या आता है टी है, टेन आता है। तो इस तरह से आप स्पेस को फिलअप करेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा जो हुआ है 17 से जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है वो नंबर्स का हुआ है, और यहाँ तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है अल्फाबेट्स विथ लेटर, ठीक है। नंबर्स पे हमारा क्वेश्चन है 18, वो है हमारा मिडिल में बच्चों आता है बीच में, हमें कौन सा नंबर भरना है, तो हमें टू दे रखा और स्पेस दी रखी है और फिर फोर दे रखा है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ and
इसी तरीके से
बच्चों क्या है? डाल देख डर, तो ये देखो डर है, डर हो गया। कि ये वाव वाव पे क्या है? डेट ना, उसकी मात्रा क्या है? छोटे से वाव ये डेट नहीं, तो ये वो हर आउट है। ये का पेज रूप ये जो रूप की मात्रा वाव हर रूप कि ये डालाम दे आज अपने क्या है बच्चों? सब तीन के ने जो हमने लिखे हैं मित्र उसको मिलाना है और उनकी बराबर जुमले बनाना है। ठीक है, जी की मुख को बनाओ, ये थोड़ा सा अच्छे किया हमने, ये भी कम बराबर करना है। तो ये हमने तीन की बनाई है। अब आपको तो किसी से अपनी पॉज लेना है बच्चों, पर आप उनकी पढ़ाई बराबर चालू रखती उसमें क्या पड़ रहा है बिल्कुल भी मत करिए। पेरेंट्स मांगते हैं आप लोगों को आप लोगों की इतनी जल्दी होती है, मैं जब जाती हूँ तो मैंने छोटे बच्चों को गलियों में बाहर ऐसी इतना आपके दिखाया। आप मेरी इतनी तरह है एक वे से अपने बच्चों का बहुत ध्यान है कि छोटे बच्चों का उसके बच्चे जब भी खा लेकर जाओ मास्क लगाइए हैंड वॉश करिए और yeah.
सुनता हूँ मैं इससे Okay.